जी हाँ दोस्तों, इतने बजे से खेला जाएगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे महामुकाबला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस पहले वनडे मुकाबले के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर कर दिया टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। और दोस्तों, इस पहले वनडे महामुकाबले में टीम इंडिया की खोखार प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज की टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज में हरा कर रख दे, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। और टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 27 जुलाई को किंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला 29 जुलाई को किंगस्टन ओवल बारबाडोस में ही खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 1 अगस्त को ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को हर हाल में जीतना चाहेगी, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, जिसमें आईपीएल 2023 में खतरनाक प्रदर्शन करने वाले इन 3 युवा खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है, जिसमें पहला नाम आता है खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन का। दोस्तों, संजू सैमसन को टीम इंडिया में कम ही मौका मिलता है, लेकिन संजू सैमसन ने आईपीएल 2023 में जिस तरह की विस्फोटक पारियां खेली है, उसके चलते उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चुना गया है। वहीं दोस्तों, दूसरा नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग की ओर से ओपनिंग करते हुए ताबड़तोड़ पारियां खेली है, और दोस्तों उन्होंने आईपीएल 2023 में कोहराम मचा के रखा था, जिसके चलते उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की स्क्वाड में चुना गया है। और दोस्तों, अगर किसी कारण रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से कोई भी खिलाड़ी अनअवेलेबल रहता है, तो उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर नाम आता है मुकेश कुमार का। मुकेश कुमार ने आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2023 में खतरनाक गेंदबाजी की है, जिसके चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 में चुना गया है। दोस्तों, इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से आईपीएल 2023 में कोहराम मचा के रखा था, जिसके चलते इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की खूंखार प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर से हमें रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में कोहराम मचा के रखा था, जिसके चलते उन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया था। वहीं दोस्तों, रोहित शर्मा आईपीएल 2023 में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब उनकी फॉर्म वापस आ गई है। ऐसे में उनसे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर किंग कोहली यानी कि विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, विराट कोहली ने आईपीएल 2023 में खतरनाक प्रदर्शन किया है। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने भी आईपीएल 2023 में कोहराम मचा के रखा था। वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, संजू सैमसन ने आईपीएल 2023 में खतरनाक बल्लेबाजी की थी। वहीं दोस्तों, छठे नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने भी आईपीएल 2023 में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही कमाल करके रखा था। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग की टीम को आईपीएल का चैंपियन बनाने वाले रविंद्र जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही कोहराम मचाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, आठवें नंबर पर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही कमाल करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने भी आईपीएल 2023 में कोहराम मचा के रखा था। और दोस्तों, नवे नंबर पर खतरनाक स्पिनर युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, जबकि दोस्तों दसवें नंबर पर मुकेश कुमार तेज गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, मुकेश कुमार ने भी आईपीएल 2023 में खतरनाक गेंदबाजी की थी। वहीं दोस्तों, ग्यारहवें नंबर पर खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पहला वनडे मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज में से कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।